उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की शासकीय भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। दिसंबर के आधे माह पूर्व तक महाकाल मंदिर के पास 100 मीटर दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में आने वाले शासकीय भूमि और मकानों को तोड़ने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर प्रशासक के सहयोग में सर्वे का काम शुरू किया है। 500 मीटर के दायरे में उज्जैन जिला प्रशासन ने अभी सिर्फ उसी जगह को लिया है जो शासकीय ज़मीन है या ऐसी ज़मीन जो पहले शासकीय थी बाद में प्राइवेट हो गई। ऐसी ज़मीन को सबसे पहले जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रशासन सर्वे करवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाएगा। इस कार्य के लिए पूरे सर्वे दल को नियुक्त किया गया है। 500 मीटर को चिन्हित किया जा रहा है। शासकीय जमीन पर से पूरा निर्माण हटाया जाएगा। कोई भी नया निर्माण मंदिर के आसपास के क्षेत्र में नहीं हो पाए, इसके लिए नगर निगम को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं 500 मीटर की रेंज में बिना नक्शे की ऊंची बिल्डिंग बनी है, जिससे मंदिर के शिखर दर्शन में दिक्कत आ रही है, उसे भी तोड़ा जाएगा। 500 मीटर का जो दायरा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अतिक्रमण जो हटाए जाएंगे, तो उसमें जो अतिक्रमण की परिभाषा है वो ये अभी हम लोगों ने ली है कि कहीं पर अगर कोई शासकीय ज़मीन है या अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो पहले शासकीय थी बाद में प्राइवेट हो गई, पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे, उसका जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। एक पूरे सर्वे दल को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया है 500 मीटर का चिन्हांकन करके, उस पर हम लोग मुनारे भी लगाने जा रहे हैं और साथ साथ उसमें किस किस प्रकार की ज़मीन है उसका चिन्हांकन भी करा रहे हैं। अगर कहीं शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण मिलता है तो पूरा का पूरा हटाने की कार्रवाई जो माननीय कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार करी जाएगी। इसमें जो दूसरा कोर्ट का डायरेक्शन है कि नंबर एक ये है कि कोई भी नया निर्माण न होने पाए, इसके लिए नगर निगम को सख्ती से हिदायत दी गई है और नगर निगम के द्वारा इस पर कार्रवाई भी करी जा रही है कि कोई भी नया निर्माण 500 मीटर की रेंज में ना होने पाए, जो कि परंपरा से या फिर जो मंदिर से संबंधित गतिविधियां हैं उनसे जुड़ा हुआ अगर है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, अगर मंदिर की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो उसको अलाउ नहीं करना है। इसके संबंध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा इस 500 मीटर की रेंज में अगर कोई ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स हैं जो बिना नक्शे के बनी हुई हैं, चूँकि अगर नक्शा पास है वहाँ पर उसके हिसाब से बनी हुई है, तो अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वहाँ पर नया निर्माण कोई 20-25 साल बाद शुरू हो, तभी वो हट पाएंगे। लेकिन अगर नक्शे के विरुद्ध कोई निर्माण है और ऊंची बिल्डिंग है जो शिखर के दर्शन को प्रभावित करती है, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको तोड़ने का भी काम करेंगे। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।